नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुर्जर गोत्रों के गांव कितने कहां पर है, किस गोत्र के गांव हैं, इस वीडियो में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में खुब्बड़ पंवार गोत्र के गुजरों के 84 गांव खुब्बड़ पंवार के सहारनपुर में हैं। बटार गोत्र के गुजरों की 52 गाँव बटार गोत्र के सहारनपुर में है। छोकर गोत्र के गुजरों की 24 गांव छोकरों के सहारनपुर में हैं। राठी गोत्र के गुजरों की 24 गांव राठी गोत्र के सहारनपुर में हैं। धूली गोत्र के गुजरों का 12 गांव धूली गोत्र के सहारनपुर में हैं। कलश्यान चौहान गोत्र के गुजरों की 84 गांव कैराना और कांदला में हैं। बालियान गोत्र के जाटों की 84 गांव शामली में हैं। मलिक गोत्र के जाटों की 45 गांव बगरा में हैं। राजपूत की चौबीसी सरदना में हैं। तोमर गोत्र के राजपूतों को 12 गांव तोमर गोत्र के मेरठ में हैं। बडाणा गोत्र के गुजरों का 12 गांव बडाणा गोत्र के मेरठ में हैं। चपराणा डहलिया गोत्रों का 12 गांव चपराणों के बागपत मेरठ में हैं। बडाणा गोत्र के गुजरों का 12 गांव बडाणा गोत्र के मेरठ में हैं। बैंसला गोत्र के गुजरों का 12 गांव बैंसला के मेरठ में हैं। हूण गोत्र के गुजरों का 12 गांव हूण गोत्र के मेरठ आपुड़ में हैं। तोमर गोत्र के जाटों की 84 बागपत में हैं। 84 गांव तोमर के जाटों के बागपत में हैं। बैंसला गोत्र के गुजरों का 12 गांव बैसला के गोत्र के लोनी में हैं। कसाना गोत्र के गुजरों का 12 गांव कसानों के लोनी में हैं। बाटी गोत्र के गुजरों का 360 गांव बाटी गोत्र के गौतम बुद्ध नगर में हैं। अहिरों के 24 गांव बुलंदशहर में हैं। नांगड़ी गोत्र के गुजरों के 24 गांव नांगड़ी के गौतम बुद्ध नगर में हैं। राजपूतों की 24 दोलाना में हैं। कपासिया गोत्र के गुजरों का 12 गांव कपासिया गोत्र के शिवाली बुलंदशहर में हैं। डेडा गोत्र के गुजरों के 24 गांव डेडा हरियाणा में, पूर्वी दिल्ली हरियाणा में। छोकर गोत्र के गुजरों की 24 गांव अवाना गोत्र के रावल गोत्र के गुजरों की 27 गांव रावल गोत्र के पानीपत करनाल में हैं। छमैन गोत्र के गुजरों का 12 गांव छमैन गोत्र के करनाल में हैं। बामला गोत्र के गुजरों का 12 गांव बामला गोत्र के गुड़गांव में हैं। खटाना गोत्र के गुजरों का 12 गांव खटाना गोत्र के गुड़गांव में हैं। तंवर गोत्र के गुजरों का 12 गांव तंवर गोत्र के मैरोली में हैं। बडाणा गोत्र के गुजरों का 12 गांव बडाणा गोत्र के फरीदाबाद में हैं। नांगड़ी गोत्र के गुजरों की 84 गांव नांगड़ी गोत्र के फरीदाबाद में हैं। बैसला गोत्र के गुजरों की 24 गांव बैसलों के पलवल में हैं और जाटों की 24 महम रोहतक में हैं। अरे अब राजस्थान में हैं। राजस्थान में खारी गोत्र गुजरों की 84 बयाना भरतपुर सवाईमाधोपुर जयपुर में हैं। खटाना गोत्र के गुजरों का 12 गांव खटानों के करौली में हैं। बैसला गोत्र के गुजरों का 12 गांव बैसला गोत्र के करौली में हैं। बिडरवास गोत्र के गुजरों का 12 गांव बिडरवास गोत्र के करौली में हैं। तंवर गोत्र के गुजरों का 12 गांव तंवर गोत्र के ब्याना में हैं। कांवर गोत्र के गुजरों का 12 गांव कांवर गोत्र के ब्याना में हैं। मावई गोत्र के गुजरों का 12 गांव मावई गोत्र के करौली ब्याना में हैं। कसाना गोत्र के गुजरों का 12 गांव कसानों के बाड़ी धौलपुर में हैं। कसाना गोत्र के गुजरों का 12 गांव कसाना गोत्र के भरतपुर में हैं। कसाना गोत्र के गुजरों का 12 गांव कसानों के सिकंदर दोसा में हैं। कसाना गोत्र के गुजरों के 28 गांव कसाना गोत्र के धौलपुर में हैं। गुरैया गोत्र के गुजरों का 28 गांव सवाईमाधोपुर में हैं। पोसवाल गोत्र के गुजरों का 12 गांव पोसवाल गोत्र के सवाईमाधोपुर में हैं। रावत गोत्र के गुजरों का 12 गांव रावत गोत्र के कोटपुतली जयपुर में हैं। दरांदिया गोत्र के गुजरों का 12 गांव दरांदिया गोत्र के बड़नेर आसिंद में हैं। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में मावी गोत्र के गुजरों का 12 यानी 12 गांव मावी गोत्र के मुरैना में है। छावई गोत्र के गुजरों की 24 यानी छावई गोत्र के जो 24 हैं 24 गांव मुरैना में है। रियाना गोत्र के गुजरों का 12 यानी 12 गांव रियाना गोत्र के मुरैना में है। हरसाना गोत्र के गुजरों का 12 यानी 12 गांव हरसाना गोत्र के मुरैना में है। कसाणा गोत्र के गुजरों की 24 यानी 24 गांव कसाणा गोत्र के मुरैना में भी हैं। उपरोक्त ऊपर दी गई जानकारी विवरण से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि गुर्जर प्रतियारों और उनके सामंतों की सेना में गुर्जरों के अतिरिक्त जाट अहिर आदि भी सम्मिलित थे। गुर्जर प्रतियारों के 28 से 35 लाख सेना की विशाल संख्या भी यही संकेत करती है कि इसमें गुर्जरों के अतिरिक्त अन्य योद्धा और लड़ाकू कबीले और जातियाँ शामिल थी। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि पश्चिमी उत्तर भारत में गुर्जरों के संगठित 12 और 24 ही करनाल जिले तक मिलते हैं, जो कि मीरभोज के साम्राज्य की पश्चिम उत्तर तक सीमा थी। दोस्तों, अगर आपके पास गुर्जर गोत्रों के बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और जानकारी साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद, शुक्रिया।